जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड को पहले टेस्ट मुकाबले में बुरी तरीके से कुचलने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रही है, जिसके लिए इंग्लैंड की टीम भारत में आ चुकी है और अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। भारतीय टीम भी युवा खिलाड़ियों के साथ जमकर प्रैक्टिस कर रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कप्तान रोहित शर्मा आखिरकार किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में मैदान पर उतरने वाले हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है, पहला टेस्ट मुकाबला आप सभी को कब देखने को मिलने वाला है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में कौन सबसे घातक ऑलराउंडर खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद हमारी भारतीय टीम की निगाहें इंग्लैंड पर होगी। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड को भी क्लीन स्वीप करने के लिए रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भी हमारी भारतीय टीम इस समय सबसे टॉप पर है और एक बार फिर से टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए इस सीरीज बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 25 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 2 फरवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाएगा, तीसरा मुकाबला 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में खेला जाएगा, चौथा मुकाबला 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच खेला जाएगा, जबकि दोस्तों अंतिम मुकाबला 7 मार्च से 11 मार्च के मध्य खेला जाएगा। इन सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण आप अपने टेलीविजन पर डीडी स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर देख पाएंगे, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर की जाएगी। ये मुकाबले भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से खेले जाएंगे। आपको बता दें, ये सभी मुकाबले भारतीय सरजमी पर होंगे, इसलिए हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ ज्यादा मजबूत रहेगी। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है जो अकेले के दम पर इंग्लैंड की टीम को कुचल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, गेंदबाजी पक्ष तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, तो उससे कहीं ज्यादा मजबूत बल्लेबाजी पक्ष है। कोहली, रोहित, यशस्वी, जायसवाल समेत कई सारे धाकड़ खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल है। तो आइए दोस्तों, अब आपका बिना ज्यादा वक्त लिए आपको बताते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन 11 भूखे शेरों को खेलने का मौका दिया है। आखिरकार भारतीय टीम की क्या रहेगी खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली है, सब कुछ जानकारी आपको हम विस्तार से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल करेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस समय कप्तान रोहित शर्मा कितनी खतरनाक लय में चल रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में शतक ठोक कर रोहित शर्मा ने ये संदेश दे दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वह कितने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। वैसे भी दोस्तों, रोहित शर्मा काफी विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है। इंग्लैंड की टीम को रोहित शर्मा से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा एक बार मैदान में सेट हो गए तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की हालत खराब कर देते हैं और बिना शतक जड़े आउट भी नहीं होते हैं। तो वहीं पर दोस्तों, बात करें युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की, तो साउथ अफ्रीका की सीरीज में जायसवाल का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखानी होगी। वैसे तो T20 फॉर्मेट में जायसवाल काफी ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत देते हैं, उसी तरह से अब टेस्ट फॉर्मेट में भी अपने बल्ले से तबाही मचानी होगी। दोस्तों, नंबर 3 पर कप्तान रोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। हालांकि दोस्तों, इस समय शुभमन गिल बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें अपनी बेहतरीन लय में आना ही होगा, क्योंकि अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर होना पड़ेगा और उनकी जगह जायसवाल को मौका मिल जाएगा। वैसे भी दोस्तों, शुभमन गिल काफी विस्फोटक बल्लेबाज है, वह कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। जबकि दोस्तों, नंबर 4 पर कप्तान रोहित शर्मा ने रन मशीन विराट कोहली को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ किंग कोहली काफी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं।
अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ दो बार दोहरा शतक भी लगा चुके हैं टेस्ट फॉर्मेट में। ऐसे में किंग कोहली इंग्लैंड के खिलाफ सबसे अहम बल्लेबाज साबित होंगे। वैसे भी दोस्तों साउथ अफ्रीका की सीरीज में किंग कोहली ने भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे और इस सीरीज में भी उनका प्रदर्शन सबसे बेहतर ही रहने वाला है। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 5 पर कप्तान रोहित शर्मा ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। आपको बता दें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में केएल राहुल को आराम दिया गया था, लेकिन अब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल कर लिया गया है। नंबर 5 पर खेलते हुए राहुल का प्रदर्शन भी काफी शानदार है। जबकि दोस्तों छठे नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिला है। आपको बता दें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में रविंद्र जडेजा को ना तो गेंदबाजी ही ज्यादा दी गई और ना ही बल्लेबाजी में उतना मौका मिला, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज भारतीय पिच पर होगी जहां पर जडेजा की स्पिन गेंदबाजी काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। तो वहीं पर दोस्तों स्पिन गेंदबाजी को और मजबूत बनाने के लिए अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा ने शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, जडेजा और अश्विन की जोड़ी तो हम सभी जानते हैं कि कितनी कमाल की गेंदबाजी करती है। उनके साथ अक्षर पटेल को भी प्लेइंग 11 में मौका मिला है। तो हमारे पास 3 विकल्प है स्पिन गेंदबाजी के लिए जो इंग्लैंड की टीम को अकेले के दम पर उखाड़ कर फेंक देंगे। जबकि दोस्तों तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार को दी गई है। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में आराम दिया गया था, लेकिन अब फाइनली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ये दोनों पेस गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। तो वहीं पर दोस्तों मुकेश कुमार भी काफी बेहतरीन लय में इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में मैदान पर उतरेगी। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, कप्तान रोहित शर्मा को इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए था? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।